दोस्तों फिलहाल तो बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है और दुनिया भर के फैंस को इस फिल्म ने दीवाना बना रखा है। दोस्तों सिंघम अगेन आज सिनेमाघरों में छठवां दिन चल रहा है, 5 दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में कंप्लीट कर चुकी है और दोस्तों आज छठवां दिन भी सिंघम अगेन का बड़ा शानदार है क्योंकि आज भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो तबाही वो तूफान मचा रही है जो शायद हेटर्स नहीं चाहते थे और जो लोग ये बोल रहे थे ये उनके मुंह पे बड़ा तमाचा है कि भैया सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी कमाई नहीं करेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अपना वीकेंड खत्म करने के बाद फिल्म का आज जो वर्किंग डे है वो तीसरा दिन है, यानी कि मंडे का, ट्यूसडे का और आज वेनसडे का। कल का कलेक्शन भी आपने देखा होगा, परसों का कलेक्शन भी आपने देखा होगा, जो वर्किंग डेज थे उनकी मैं बात कर रहा हूं और आज के कलेक्शन में जो उछाल हमें देखने को मिल रहा है वो वाकई शानदार और काबिले तारीफ है। दोस्तों ये बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फैन फॉलोइंग का ही कमाल है, उनके चाहने वाले इतने हैं दुनिया भर में कि भैया इनकी फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होनी ही है। तो दोस्तों सिंघम अगेन ने सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आज फिल्म का छठवां दिन है, लगभग 5 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में कि सिंघम अगेन ने अपने पहले 5 दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का जो आज छठवां दिन है वो कैसा जाने वाला है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी है, कौन से शहर में फिल्म के पास कितने कितने शोज है, कितने खाली है, कितने हाउसफुल है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और पहले 6 दिनों में ये फिल्म इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर जाएगी, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहेगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म सिंघम अगेन की तो फैंस को इस फिल्म का बड़ा इंतजार था और बड़ी बेसब्री से इंतजार था और अब जब ये इंतजार खत्म हो चुका है तो दर्शकों के हाथों सिर्फ खुशी और खुशी लगी है, निराशा का तो नामो निशान भी नहीं है। जो भी दर्शक इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकल रहा है वो फिल्म की खूब तारीफें कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक हिंदी लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था रोहित शेट्टी, अजय देवगन और ज्योति देशपांडे। फिल्म में हमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ और साथ ही साथ एक छोटा सा कैमियो सलमान खान का भी इस फिल्म में हमें देखने को मिला था। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लेकिन दोस्तों यहां पे आज बात हो रही है फिल्म के छठवें दिन की, तो ओवरऑल जो पूरे इंडिया से फिल्म ने आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी से शुरुआत की है वो लगभग 10% की ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की, यानी कि आप मान के चलिए अगर फिल्म के पास 100 शोज है तो उसमें से भैया जो मॉर्निंग के शोज है, मॉर्निंग के शोज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से 10 आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से हाउसफुल रहेंगे, जिसमें कोई भी सीट आपको खाली नहीं मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मुंबई के अंदर आज फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 13% से ज्यादा की है। फिल्म के पास 943 शोज है, यानी कि शोज अभी कम नहीं हुए हैं, फिल्म के पास अच्छे खासे भरपूर शोज है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में फिल्म की 6% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 1150 शोज है। ये छठवें दिन की बात कर रहा हूं और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आफ्टरनून, इवनिंग और जो नाइट के शोज है वो तो अभी आना बाकी है। पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पे 12% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 432 शोज है। बेंगलुरु में 9% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 296 शोज है। हैदराबाद में 7% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 233 शोज है। कोलकाता में 6% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 288 शोज है। और भैया अहमदाबाद में आज फिर कमाल हो रहा है, फिल्म की 11% की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है और फिल्म के पास अभी भी 740 शोज है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिंघम अगेन आज अपने छठवें दिन भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाई हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जब अपने पहले दिन फ्राइडे को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो दिवाली का खास मौका था, दिवाली की सबसे बड़ी छुट्टी थी और सबसे बड़ा कलेक्शन भी किया फिल्म सिंघम अगेन ने, जहां दोस्तों 43 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई ये फिल्म अपने पहले दिन नेट कर चुकी थी। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 64 करोड़ 22 लाख रुपए कमा लिए थे। उसके बाद दूसरा दिन फिल्म का सैटरडे का रहा और अजय देवगन के नाम एक सिंगल डे में एक और बड़ा दिन 44 करोड़ 50 लाख रुपए, यह भी अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड था क्योंकि फर्स्ट डे कलेक्शन को टू एंड डे ने पीछे छोड़ दिया था और फिल्म की जो 2 दिनों की टोटल कमाई थी वो 88 करोड़ 20 लाख रुपए इंडिया से नेट हो गई थी। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 131 करोड़ 79 लाख रुपए कमा लिए थे। उसके बाद आता है फिल्म का तीसरा दिन, यानी कि जो छुट्टी का दिन था, यानी कि जो वीकेंड का दिन था,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो वो दिन आखिरी था और फिल्म का ये तीसरा दिन था। फिल्म ने कमाए अपने तीसरे दिन संडे को 36 करोड़ 80 लाख रुपए। तो अपने पहले तीन दिनों में फिल्म सिंघम अगेन 125 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 188 करोड़ 86 लाख रुपए कमा लिए थे। उसके बाद फिल्म का चौथा दिन यानी कि मंडे का, भाई क्या बात है, 19 करोड़ 20 लाख रुपए। उसके बाद फिल्म का पांचवा दिन यानी कि जो कल का दिन था ट्यूजडे का, यह रहा 14 करोड़ 40 लाख रुपए का। और भैया यहां पे पांच दिनों में फिल्म सिंघम अगेन ने 158 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई पूरे इंडिया से नेट कर ली है। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 190 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं 47 करोड़ रुपए और कुल मिला के अपने पहले पांच दिनों में फिल्म सिंघम अगेन पूरे वर्ल्ड में 237 करोड़ रुपए कर चुकी है, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है। इसके अलावा फिल्म का आज छठवां दिन है। पूरी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने आपको दी है, कौन से शहर में फिल्म के पास कितने शोज है, कितने हाउसफुल है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि आज अपने छठवें दिन भी यह फिल्म कम से कम 11 से 12 करोड़ रुपए कर रही है, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है। यानी कि आने वाला जो सैटरडे और संडे रहेगा फिल्म के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा और आने वाले सैटरडे और संडे को ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हिट होने वाली है। छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन 11 से 12 करोड़ रुपए यानी कि आज का, फिल्म की टोटल कमाई 171 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी 6 दिनों में इंडिया से नेट। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 255 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसी लगी फिल्म सिंघम अगेन कमेंट में जरूर बताइएगा।